जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में आज फिर हम यहाँ पर एक चर्चा लेकर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम और उसका विषय कुछ महत्वपूर्ण विषय जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को वह विषय सूक्ष्म है थोड़ा सा सूक्ष्म जरूर है आज का विषय ब्रह्म लोक का रहस्य भला ये ब्रह्म लोक का रहस्य क्या है और यह ब्रह्म लोक क्या है आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे अब इसे ब्रह्म लोक क्यों कहते हैं यह भी एक प्रश्न है कि ब्रह्म लोक क्यों कहते हैं तो हम आज इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे रहस्यमय जरूर है लेकिन हमारे जीवन से संबंधित भी है और मैं कोशिश करूंगा कि यह ब्रह्म लोक का जो रहस्य है जो ब्रह्म लोक की अवधारणा है जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए कि जीवन के साथ इसका कैसे संबंध है छोटा मोटा संबंध नहीं पूरा संबंध है पूर्ण संबंध है जीवन के साथ इस विषय की चर्चा उपनिषदों में भी तैतरीय उपनिषद और उप दूसरे उपनिषदों में भी जहां हिरण्य गर्भ की चर्चा मिलती है वहां पर भी यह चर्चा में आ जाता है वास्तव में ब्रह्म लोक कहने का मतलब यह हिरण्य गर्भ या ब्रह्म लोक किसका लोक है ब्रह्म लोक इसलिए क्योंकि यह ब्रह्मा का लोक है अब यह ब्रह्मा कौन है और ब्रह्म क्या है ब्रह्म तत्व है और ब्रह्मा सृष्टि का भाव रूप देवता है ब्रह्मा क्या करते हैं तो सृष्टि करते हैं तो क्या अपनी मनमर्जी से सृष्टि करते हैं नहीं प्रकृति के जो तीन गुण हैं उन्हीं से सृष्टि करते हैं कोई अपनी मनमर्जी की सृष्टि नहीं है लेकिन ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है वो सूक्ष्म सृष्टि है वह स्थूल नहीं है यह भी ध्यान रखिएगा बहुत गहराई से समझिएगा इस बात को तभी समझ में आएगा कि ब्रह्मा जी कौन है और ब्रह्मारूपी देवता जो है वह कौन है उनका कार्य क्या है जी हां ब्रह्मा जी का कार्य जो है वह सृष्टि करना है इस संसार में इस प्रकृति में दो क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं सृष्टि स्थिति और प्रलय सृष्टि स्थिति और प्रलय का की क्रिया चलती रहती है मतलब सृष्टि होती है और जिस विषय वस्तु की सृष्टि हुई है उसकी स्थिति कुछ समय के लिए बनी रहेगी और फिर वो प्रलय को प्राप्त हो जाएगा कुछ समय के लिए बने रहना भी वो बहुत ही सूक्ष्म समय होता है वास्तव में अगर देखा जाए तो सृष्टि और प्रलय ही चलता रहता है जो स्थिति है वो भ्रम के रूप में ही प्रकट होता है सत्य पूछो तो सृष्टि प्रलय समानांतर रूप से हमेशा ही चलता रहता है समानांतर मतलब पैरल जैसे टू पैरल लाइंस हैं जैसे कि रेल की दो पटरियां दो ट्रैक जो है रेलवे ट्रैक तो पैरल चलती हैं तो सृष्टि और प्रलय दोनों हमेशा ही होते रहते हैं स्थिति तो एक भ्रम के रूप में हमें दिखाई देती है क्योंकि हम सूक्ष्म रूप से चलने वाले प्रलय को देख नहीं पाते हैं सूक्ष्म रूप से चलने वाले प्रलय को हम देख नहीं पाते हैं इसलिए इसलि हम उस अवस्था को स्थिति मान लेते हैं हम उस अवस्था को स्थिति मान लेते हैं कि यह स्थिति है अर्थात बीच में स्थिरता भी है या पालना भी हो रही है लेकिन सत्य पूछो तो सूक्ष्म सृष्टि और सूक्ष्म प्रलय की क्रिया हमेशा ही चलती रहती है निरंतर चलती रहती है तो ब्रह्मा जी सृष्टि के देवता हैं, लेकिन वो उनकी सृष्टि कैसी है यह समझना जरूरी है उनकी सृष्टि सूक्ष्म है उनकी सृष्टि स्थूल नहीं है उनकी सृष्टि क्या है उनकी सृष्टि सूक्ष्म है उनकी सृष्टि स्थूल नहीं है तो ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है वह सूक्ष्म है वह पंचभूतों से तीन गुणों से है जरूर लेकिन अपंचकृत है क्योंकि जितना भी स्थूल विषय दिखाई देता है वह सब पंचकृत होते हैं अर्थात इसीलिए उनको प्रपंच कहते हैं प्रपंच का अर्थ क्या है कुछ लोगों ने कहा एक महानुभाव ने कमेंट किया प्रपंच मतलब आंखों का धोखा जी नहीं पंच तत्वों से निर्मित पंचीकृत जो स्थूल जगत है वह प्रपंच है पंच तत्वों से निर्मित जो स्थूल जगत है वह प्रपंच ही है और जो सूक्ष्म जगत है उसे हिरण्य गर्भ कहा गया है उसे सूक्ष्म वही ब्रह्मा का लोक है वही ब्रह्मा का लोक है वहां जो काल की गति है काल है कि नहीं काल है लेकिन जो काल की गति है वो बहुत धीमी होती है परिवर्तन वहां बहुत ही धीमी गति से आता है तेजी से नहीं आता जैसे कि स्थूल जगत में तेजी से परिवर्तन आता है लेकिन सूक्ष्म जगत में जो परिवर्तन होता है वह बहुत धीमी गति से होता है वहां जल्दी परिवर्तन नहीं आता तो सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म जीवी रहते हैं सूक्ष्म जीवी सूक्ष्म देहधारी रहते हैं ना कि स्थूल देहधारी रहते हैं सूक्ष्म देहधारी रहते हैं जीव सूक्ष्म शरीर के साथ वास करता है स्थूल शरीर के साथ नहीं तो अब एक प्रश्न उठता है कि जब कोई जीव स्थूल शरीर को धारण करेगा तो क्या सूक्ष्म शरीर को त्याग कर करेगा कभी भी नहीं नेवर सूक्ष्म शरीर को धारण करने वाले जीव को स्थूल शरीर धारण करने के लिए सूक्ष्म शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता वह अपने सूक्ष्म शरीर से ही स्थूल शरीर को धारण कर लेगा उसे अपने सूक्ष्म शरीर का त्याग क्या करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा सूक्ष्म शरीर के साथ ही वह स्थूल देह को धारण कर लेगा इसका अर्थ यह है कि स्थूल शरीर में रहने पर भी जीव की एक अवस्था ऐसी जरूर होती है जिसमें वो सूक्ष्म शरीर में है स्थूल शरीर रहने पर भी सूक्ष्म और कारण की अवस्था बनी रहेगी तो ब्रह्मलोक का यही रहस्य है लेकिन जो ब्रह्मलोक में जो सृष्टि हुई है ब्रह्मा जी के द्वारा अगर हम कहें या हिरण्य गर्भ के द्वारा भी मानते हैं उसे तो वहां पर जो सृष्टि हुई है वो सूक्ष्म शरीर की सृष्टि वहां पंच तत्व जो है फाइव एलिमेंट्स जो है वो अपंचीकृत हैं पंचीकरण क्या है एक स्पेशल प्रोपोशन में एक स्पेशल प्रोपोर्शन एक अनुपात में तत्वों का मिलना पंचीकरण सिद्धांत कहलाता है पांचों तत्व एक अनुपात में मिलकर जल का स्थूल जल का निर्माण करेंगे पांचों तत्व एक अनुपात में मिलकर स्थूल अग्नि का निर्माण करेंगे पांचों तत्व एक अनुपात में मिलकर स्थूल जगत में वायु का निर्माण करेंगे इस प्रकार की प्रक्रिया मानी गई है वेदांत शास्त्र में तो यह बात हमें समझने की आवश्यकता है सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जगत तो ब्रह्मा का लोक सूक्ष्म अव्यक्त जगत है अव्यक्त क्यों है क्योंकि तो चर्म चक्षुओं से या चर्म इंद्रियों से वहां तक पहुंचना असंभव है देख नहीं सकते सुन नहीं सकते उस सूक्ष्म जगत को हां ध्यान योग से जा सकते हैं या फिर स्वप्न अवस्था में अवचेतन में आपको उसका परिचय थोड़ा मिलता है लेकिन अवचेतन अवस्था होने के कारण बुद्धि उसको पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाती जब आप सो जाते हैं और स्वप्न अवस्था में रहते हैं या आप विचारों की अवस्था में खो जाते हैं अभी किसी ने बताया कि मैं बहुत सोचता हूं दिन भर बैठकर सोचता ही रह जाता हूं कोई काम नहीं कर पाता सोचने की प्रक्रिया ही अत्यधिक चलती रहती है ऐसी अवस्था से मैं गुजर रहा हूं किसी ने अपनी समस्या को बताया तो मैं आपसे बता यहां पर क्या है सूक्ष्म जगत ज्यादा हावी हो रहा है जो दिखाई नहीं देता अव्यक्त है वह अव्यक्त है लेकिन इतना भी अव्यक्त नहीं है उससे भी बड़ा परम अव्यक्त है उससे भी बड़ा परम अव्यक्त है उसके बारे में भी भगवान कृष्ण जरूर बताएंगे लेकिन सूक्ष्म जगत से और जितने भी सूक्ष्म जगत में भी कई लोग हैं फिर सूक्ष्म जगत में और भी लोग हैं प्रेत लोक देव लोक, बहुत कुछ इन सभी लोकों में जाने वाले जीव पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृति नो अर्जुना मापेत्य तु कौंत पुनर्जनम अर्जुन आ ब्रह्म भुवना पुनरावर्ति अर्जुन ब्रह्म लोक तक सभी लोक पुनरावृति अर्थात आवागमन लगा रहेगा जन्म मृत्यु के चक्कर में रहेंगे वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है परंतु हे कौंते मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता अर्थात ब्रह्म को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता क्योंकि ये सारे लोक कर्म के बंधन में ही हैं, ये सारे लोक कर्म के बंधन में ही हैं, कर्म से परे नहीं है इसीलिए कर्मों का भोग भोगने के लिए जीव को फिर से स्थूल शरीर धारण कर इस स्थूल जगत में इस नश्वर संसार में फिर से उसे आना ही पड़ता है सहस्र युग पर्यंत महर यद ब्रह्मणो विदु रात्रि में युग सहस्रांताम तेहो अहोरात्र विदो जना जो मनुष्य ब्रह्मा के एक हजार चतुर्युगी वाले एक दिन को एक हजार चतुर्युगी वाले एक रात्रि को जानते हैं वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानते हैं ब्रह्मा जी का जो दिन है और ब्रह्मा जी की जो रात्रि है वह बहुत ही बड़ी है कहते हैं कि एक बार गोकुल के अंदर एक घटना घटी अगर आपने भागवत कथाएं सुनी हो तो भगवान की परीक्षा लेने हेतु या बस या उनकी लीला को देखने के उद्देश्य से ब्रह्मा बाल कृष्ण के मित्रों को चुरा लिया और चुरा कर ले गए और सोचे कि कुछ देर रखूंगा पांच मिनट रखूंगा क्या फर्क पड़ता है कुछ देर अपने साथ इनको रखूंगा तो देखता हूं कि कृष्ण क्या करते हैं बड़े लीलाधारी हैं उनकी लीला देखता हूं क्या करते हैं तो कुछ देर के लिए बस बस समझ लीजिए कि मुश्किल से एक घंटे के लिए भी नहीं अगर हम उसकी गणना क्या करें मैं अंजादन आपको अंदाजन आपको बता देता हूं शायद एक दो मिनट के लिए ब्रह्मा जी ने उन बच्चों को आलोप कर दिया चुरा लिया अपने लोक में लेके चले गए चुरा लिया तो भगवान कृष्ण ने देखा कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया ब्रह्मा जी तो ले गए हैं लेकिन अपने लोक में ले गए हैं जल्दी ही वापस ले आएंगे लेकिन फिर भी यहां तो दिक्कत हो जाएगी क्यों दिक्कत हो जाएगी क्योंकि तो जब तक लेकर आएंगे तब तक, तक यहां तो एक साल बीत जाएगा तो अब कृष्ण जी ने क्या किया कि जितने उनके ग्वाल बाल मित्र थे ने ही कृष्ण वही बन गए कोई मोहन था तो कृष्ण मोहन बन गए कोई सोहन था तो कृष्ण सोहन बन गए कोई सुश्रदामा था तो कृष्ण श्रदामा बन गए ठीक तो जो जैसा था कृष्ण वही बन गए और उनके घर में रहने लगे और एक वर्ष बीत गया और ब्रह्मा जी तो बस गए सोचा तो कि खेल ही तो खेलना है लुक्का छिपी का स्वयं कृष्ण खेल खेल रहे थोड़ा सा मैं भी खेल लेता हूं चुराकर ले गए ग्वाल बालों को और फिर वापस लाए जब वापस लाए तो यहां एक वर्ष बीत गया पृथ्वी पर कितना समय बीत गया एक वर्ष बीत गया अब ब्रह्मा जी ने तो अपने लोक के हिसाब से समय की गणना की कि भाई कुछ देर के लिए ले जा रहा हूं तुरंत वापस ले आऊंगा और जब वहां पर ब्रह्मा जी लेकर आए तो देखते हैं कि अरे हर घर में बालक तो पहले से है तो फिर इन बालकों का क्या करना है फिर उन्होंने जब दोबारा कहा कि ये कैसी लीला है प्रभु की तो भगवान ने अपना ही रूप दिखाया कि हर बालक में स्वयं कृष्ण ने ही रूप धारण करके रखा है हर बालक का इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम किया योगेश्वर भगवान कृष्ण योगी क्या नहीं कर सकते अगर हम पतंजलि योग योग सूत्र में सिद्धियों की बात करें तो वहां तो साफ साफ लिखा है कि योगी अपनी संयम की शक्ति से अनेक रूप धारण कर सकता है तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी उनके बच्चों को लाकर वापस कर देते हैं लेकिन समय यहां एक वर्ष बीत गया और ब्रह्मा जी तो बस कुछ क्षण के लिए ले गए थे कुछ देर के लिए ले गए उतने में यहाँ एक वर्ष निकल गया तो जब हजार वर्ष होगा हजार चतुर्युगी वर्ष होगा तो ब्रह्मा का कहते हैं कि एक दिन बीतेगी और हजार युग की जब रात्रियां मिलाई जाएंगी तो जाकर ब्रह्मा का एक, एक रात्रि बीतेगी वहां पर समय की गणना अलग हो जाती है टाइम अलग हो जाता है और उसमें सूक्ष्म लोक में रहने वाले जो जीव है वो भी लंबे समय तक वहां रह सकते हैं अब यह बात थोड़ी सूक्ष्म गहराई की है अगर हम जानने की कोशिश करेंगे इस सूक्ष्म जगत को जान भी सकते हैं वहां इसीलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं आप गौर कीजिएगा कि इस विषय पर जैसे कि आप स्वप्न देख रहे हैं कोई रात्रि में आप सो गए हैं आप स्वप्न देख रहे हैं स्वप्न में आप कुछ भी देख रहे हो कोई आपको दौड़ा रहा है कोई आपको भगा रहा है कोई आपको मारना चाहता है कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या फिर आप कोई शादी पार्टी में गए कोई भी घटना घट घत रही है स्वप्न के अंदर आप कितनी देर देखते हैं आपको पता है आप छोटा सा कोई सीन देखते हैं स्वप्न के अंदर हो सकता है दो मिनट के लिए आपने देखा हो तो आपको लगेगा कि ये तो दो ही मिनट इतना ही छोटा सा तो छोटी सी बात मैंने देखी है सपने में लेकिन उतना देखने में वो दो मिनट का सीन देखने में आपको बाह्य जगत में दो घंटा बीत जाता है दो घंटा बीत जाता है और इसका प्रैक्टिकल आप खुद भी देख सकते हैं कल ही एक महानुभाव ने फोन किया कि उन्होंने बताया कि मैं सुबह चार बजे उठा और फिर मैं सो गया और जैसे ही सोया मैं स्वप्न देखने लगा और देखकर फिर मैंने कहा कि स्वप्न थोड़ा थोड़ा मुझे स्वप्न भी चल रहा था लेकिन मुझे उठना भी था और जब स्वप्न खत्म हुआ तभी मैं उठा लेकिन जब मैं उठा तो छः साढ़े छ साढ़े छः बज चुके थे दो ढाई घंटे का समय निकल गया लेकिन दो ढाई घंटे मैंने जो स्वप्न देखा वो छोटा सा तो इसका मतलब क्या मैं उस समय सुषुप्ति अवस्था में भी गया था क्या क्योंकि स्वप्न तो मैंने बस दो मिनट का सीन देखा होगा जितनी घटनाएं मैंने देखी थी वो दो मिनट में घट गई ऐसा ही मैंने देखा लेकिन सोया तो मैं दो घंटे नहीं मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वप्न आपने पूरा देखा है जितनी देर सोए हैं उतना देर आपने स्वप्न देखा है लेकिन स्वप्न में जो टाइम के जो चेंज होती है ना वो बहुत ही कम होती है समय जो बदलता है स्वप्न में समय जो बदलता है स्वप्न में उसकी जो स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज जो होता है वो बहुत स्लो होता है धीरे धीरे होता है तो छोटा सा स्वप्न जो आपको दो मिनट का लग रहा है वास्तव में बाहर की घड़ी में दो घंटे बीत जाएंगे बाहर की घड़ी में दो घंटे तक बीत जाएंगे ये रहस्य है ब्रह्म लोक का सूक्ष्म जगत का अब आप कहोगे अच्छा ये जो हम सपना देखते हैं यही ब्रह्मलोक है क्या नहीं जी क्योंकि आप उसमें अवचेतन अवस्था में होते हैं तो आप कभी जान ही नहीं सकते कि आप स्वप्न में गए थे हां हाँ, उसका एक टच आपको मिल रहा है स्वप्न की अवस्था में आप उसमें गए नहीं है जाने के लिए आपको ध्यान योग से जाना पड़ेगा तब आप पूरे नियंत्रण में रहेंगे कंट्रोल में रहेंगे और सूक्ष्म जगत को आप जान पाएंगे नहीं तो रहस्य ही बना रहेगा स्वप्न भी रहस्य जीवन भी रहस्य मृत्यु भी रहस्य सब रहस्य ही बना रहेगा ठीक है तो इसीलिए हमें यह समझना पड़ेगा एक तो यह स्थूल जगत है और यह हिरण्य गर्भ है वो ब्रह्मा का लोक ब्रह्म लोक वहां से भी जीव को आना पड़ता है चाहे वो देवता रूप में हो चाहे वह प्रेतनी में हो चाहे वो अच्छी अच्छी स्थिति में हो चाहे बुरी स्थिति में हो वहां से भी उसको लौट कर आना पड़ता है देवताओं को भी बार बार जन्म लेना पड़ता है और सांसारिक सुख दुखों का भोग अपने कर्मों अनुसार करना पड़ता है तो कर्म संस्कार ही सब करवाते हैं कर्म संस्कार ही सब करवाते हैं तो ब्रह्मा के लोक को ब्रह्म लोक को अपनी इमेजिनेशन से मत जानने की कोशिश कीजिए बहुत सरल है ध्यान योग से भी जान सकते हैं यदि आप सही समय दे पाते हैं ध्यान योग को सही साधना कर पाते हैं तो उस सूक्ष्म जगत को उस अव्यक्त जगत को आप जान सकते हैं वो चर्म इंद्रियों से ये जो चर्म चक्षु है इन चर्म चक्षुओं से आप उस तक नहीं पहुंच सकते उसका रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है थ्रू ध्यान योग ही उसका रियलाइजेशन पॉसिबल है बेहतर तरीके से जान सकते हैं इसीलिए ऐसा भी कई बार जिनका ध्यान अच्छा लगता है ध्यान योग में कई ऐसे साधक होते हैं जो बहुत अच्छे से ध्यान योग करते हैं वो ध्यान सारी साधना कर जाएंगे घंटा कब बिता पता ही नहीं चलेगा जब अच्छा ध्यान होना शुरू होगा ना ऐसा ही होगा अभी तो शुरुआत में जो लोग ध्यान योग का कोर्स करते हैं उनको तो भाई घंटा बिताना भी बड़ा मुश्किल होता है कुछ लोगों को की तपस्या साधना पिछले जन्मों की अच्छी होती है तो भला बहुत अच्छे से चलते हैं वो लोग तो ध्यान योग में भी कई बार ऐसा होता है कि लोग ध्यान करने बैठे और एक घंटा बीत गया लग रहा है कि दो मिनट बीते होंगे अभी दस मिनट बीते होंगे ऐसा भी होता है ठीक है हाँ कुछ लोग गलती से ध्यान और निद्रा को एक समझ लेते हैं गलती मत कर दीजिएगा निद्रा अवचेतन है अचेतन अवस्था की ओर है ध्यान अति चेतन सुपर कॉन्शियसनेस हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ध्यान इवोल्यूशन है आपको इवॉल्व करता है ध्यान आपकी आपकी कॉन्शियसनेस को डेवलप करता है ध्यान महर्षि श्री अरविंदो इस इस सिद्धांत के बारे में बहुत अच्छे से समझाते हैं बताते हैं अपने वेदांत दर्शन में इंटेग्रल वेदांता एंड इंटेग्रल योगा समग्र वेदांत समग्र योग इस सिद्धांत में बताया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस चेतना का विकास होना श्री श्री अरविंदो ने इस पर हमने वीडियोज किए हैं पहले अरविंदो के ऊपर आप 15 अगस्त 2022 की वीडियोस में जाएं इसी चैनल पर आपको पूरा इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट बताया गया तो आपकी जो चेतना है वो इवॉल्व करती है जब आप ध्यान योग करते हैं आपकी चेतना इवॉल्व करनी शुरू हो जाती है आप विकसित होने शुरू हो जाते हैं ठीक है जब ध्यान योग होगा तो हम सूक्ष्म जगत को भी और अच्छे तरीके से हम जान पाएंगे समझ पाएंगे और सूक्ष्म स्तर पर काम करकर हम बहुत सारी चीजों को बदल पाएंगे परिवर्तन ला पाएंगे ठीक तो हमें यह समझने की आवश्यकता है तो सूक्ष्म जगत ब्रह्मा का जो सूक्ष्म जगत है वहां सूक्ष्म शरीरी रहते हैं और वही सूक्ष्म शरीर स्थूल देह को भी धारण करते हैं अर्थात सूक्ष्म जगत में आपका अस्तित्व बना रहता है यहां तक कि अगर मृत्यु हो गई स्थूल देह नष्ट हो गया किसी कारण से मृत्यु हो गई और स्थूल देह नष्ट हो गया तो सूक्ष्म शरीर तो बना रहेगा सूक्ष्म शरीर में या सूक्ष्म जगत में ब्रह्मा के जगत में आपका अस्तित्व खत्म होने वाला नहीं है और जब तक ब्रह्मा के जगत में ब्रह्म लोक में आपका अस्तित्व खत्म नहीं होगा तब तक मोक्ष भी नहीं मिलेगा पुनरावृति बनी रहेगी आवागमन बना रहेगा यही भगवान कृष्ण यहां पर कह रहे हैं कि ब्रह्मा के लोक में भी पुनरावृत्ति बनी रहेगी ब्रह्म लोक में भी जाने से जो मनुष्य ब्रह्मा के एक हजार चतुर्योगी वाले एक दिन को और एक हजार चतुर्योगी वाले एक रात्रि को जानता है वह ब्रह्मा दिन और रात को जानने वाला है मतलब यहां पर मेनली टाइम और स्पेस के बारे में बात की जा रही कल ही कोई पूछ रहा था टाइम एंड स्पेस के बारे में आप व्याख्यान लाइए तो यह व्याख्यान लगभग टाइम एंड स्पेस को लेकर ही है टाइम एंड स्पेस अगर आप आइंस्टीन की बात करेंगे तो आइंस्टीन का स्पेस वैसे चेंज नहीं होता है टाइम भी नहीं चेंज हो रहा है हां स्पेस चेंज होता है टाइम चेंज नहीं होता है आइंस्टीन के रिलेटिविटी में लेकिन अगर आप श्रीमद भगवत गीता भगवान कृष्ण जो यहां रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं ब्रह्मा का लोक और यह लोक इस लोक की यह लोक और ब्रह्म लोक की चर्चा जब कर रहे हैं तो यहां पर टाइम और स्पेस दोनों में चेंज आ रहा है टाइम भी बदलेगा स्पेस भी बदलेगा टाइम का जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगा सूक्ष्म जगत में ब्रह्मा के लोक में टाइम का कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा और इस लोक में और स्पेस भी चेंज हो जाएगा यहां पर जो स्पेस है वो फिजिकल है स्थूल है वहां पर जो स्पेस है वो फिजिकल नहीं है स्थूल नहीं है वो भावनात्मक स्पेस है और उसका अस्तित्व तो बना रहेगा तो मृत्यु के बाद हम हमेशा उस, उस लोक में हैं हमने कभी ब्रह्मलोक नहीं छोड़ा ब्रह्मलोक में हम हमेशा ही हैं बस हमने स्थूल शरीर धारण कर लिया और स्थूल जगत में आ गए हैं नश्वर संसार में हम स्थूल लोक में आ गए हैं लेकिन जब हमारी मृत्यु होगी हम इस देह को छोड़ेंगे तो भी ब्रह्मलोक में बने रहेंगे और फिर उसी ब्रह्मलोक से फिर से हम स्थूल शरीर धारण करेंगे पुनरावृत्ति होगी पुनरावृत्ति साइकिल चलेगा कर्मा कर्माचक्रा चलेगा काल चक्र चलेगा है चक्रवत विधि की गति ऊपर कभी नीचे कभी सुख दुख ना रहते सम कभी आते कभी जाते कभी ठीक है तो स्पेस और टाइम रिलेटिविटी जो है स्पेस और टाइम से ही तो चलेगी इसीलिए इमैनुअल कांट ने जब अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी आइंस्टीन से भी पहले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इमैनुअल कांट ने दी थी और उसने कहा था कि जो भी एक्सपीरियंस हम करते हैं जो भी एक्सपीरियंस हम करते हैं सेंस ऑर्गैन से इन आंखों से कानों से सुनते हैं त्वचा से अनुभव करते हैं जो भी एक्सपीरियंस हम वर्ल्ड में कर रहे हैं दे आर नॉट रियल वो सत्य नहीं है क्यों सत्य नहीं है बिकॉज यू आर रिसीविंग ऑल द एक्सपीरियंसिस इन द फ्लक्स ऑफ स्पेस एंड टाइम You are receiving, you are getting all the experiences in the flux of space and time. आप स्पेस और टाइम के फ्लो में उसका एक प्रवाह है एक फ्लक्स है फ्लक्स मतलब जैसे कि यूनिडायरेक्शन में जब रेज फ्लो करती हैं फोर्स एनर्जी की रेज तो हम उसको फ्लक्स कहते हैं जो लोग फिजिक्स पढ़ते होंगे उसमें ये सब शब्द प्रयोग किया जाता है जो फिजिक्स भौतिकी साइंस के जो स्टूडेंट फिजिक्स के जो साइंस स्टूडेंट होंगे तो इमेनुअल कांट एक फिजिसिस्ट एक मैथमेटिक्स भी मैथमेटिशियन भी था कांट की फिलॉसफी बहुत ही रेप्यूटेड फिलॉसफी है वेस्टर्न फिलॉसफी में तो उसने कहा कि जो भी आप अनुभव कर रहे हैं संसार के अंदर वो एक स्पेस और टाइम में चल रहा है और स्पेस भी चेंज हो रहा है टाइम भी चेंज हो रहा है स्पेस बदल गया टाइम बदल गया एक्सपीरियंस भी बदलेगा तो जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो रियल नहीं हो सकता सत्य नहीं हो सकता वैसे ही हीगल ने जो आउटर वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस है उसे रियल नहीं माना और आदि गुरु शंकराचार्य महर्षि पतंजलि जो योग दर्शन है या आदिगुरु शंकराचार्य का दर्शन है इसी आधार पर हालांकि इमेनुअल कांट बहुत बाद में आया बहुत सारे पाश्चात दर्शनिक बाद में आया आदिगुरु शंकराचार्य तो 1500 वर्ष पहले आज से कहते हैं कुछ लोगों का मानना है ढाई हजार वर्ष पहले तब उन्होंने अद्वैत सिद्धांत और उससे भी पूर्व राजा जनक सुखदेव मुनि और अष्टावक्र और राजा जनक की जो अष्टावक्र महागीता है उसमें अद्वैत सिद्धांत को रखा गया है अद्वैत वेदांत को रखा गया है यह संसार सत्य है ऐसी मान्यता नहीं है नहीं मानते कि संसार सत्य गोस्वामी तुलसीदास तो जी क्या लिखते हैं इस विषय में यही विधि हरी आश्रित रह यद्यपि असत्य देत दुख अहि जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर ना हो संसार का दुख वैसे ही है जैसे स्वप्न में आपका कोई सिर काट रहा हो और आप रो रहे हो चिल्ला रहे हो लेकिन जैसे ही नींद से जगोगे पता चलेगा अरे ये सब तो ऐसे ही था ये तो स्वप्न के मानिंद ही सब कुछ है ऐसे ही है ये सब क्या है ये सब तो यह चीज हो जाती है स्वप्न के मानिंद ही बनता है अंत में संसार भी तो इसका उपाय यह नहीं है कि हम ये मान लें कि स्वप्न के मानिंद है जी नहीं मानने से नहीं होगा ध्यान योग के द्वारा जब हम अपनी चेतना को विकसित कर लेंगे तो यह ज्ञान हो जाएगा हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां संसार के सुख दुख गौण हो जाएंगे गौण मतलब नॉमिनल वर्थलेस कोई वैल्यू नहीं वैल्यूलेस हो जाएंगे अपने आप हो जाएंगे जब हम क्योंकि हम एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे लेकिन हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जाने के लिए आपको ध्यान योग तो करना पड़ेगा इवॉल्व होना पड़ेगा आपको और ध्यान योग आपकी चेतना को इवॉल्व करेगा ध्यान योग आपकी चेतना को आपकी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करेगा ध्यान योग तो इसलिए अभ्यास करते रहना जरूरी है अभ्यास करते रहना जरूरी है ध्यान योग का अभ्यास करते रहना जो लोग कर चुके हैं और जो नहीं किए हैं 20 मार्च से ऑनलाइन ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए अप्रैल में एक विकल्प है वाराणसी में आकर वो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते ज्वाइन पहले कर ले वाराणसी में आके अटेंड कर ले अगर कुछ लोग कहते हैं अगर हमने ज्वाइन कर लिया ऑफलाइन वाला और ना जो आप आए वहां पर तो भी चिंता मत कीजिए ऑनलाइन तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आपने ज्वाइन कर लिया और किसी कारण से आप ऑफलाइन में नहीं आ पाए तो आपको ऑनलाइन तो मिल ही जाएगा और ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में आप अच्छे से नहीं सीखते लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और अभ्यास में भी लगे हुए तो इसीलिए 20 मार्च इसी 20 मार्च मतलब आज 12 तारीख है आठ दिन और तो आपको यह ध्यान योग का कोर्स प्रारंभ हो रहा है 20 मार्च से आप ज्वाइन करना चाहते हैं शीघ्र ज्वाइन कर ले समय कम है आठ ही दिन बाकी है तो ध्यान योग का कोर्स यह आपको सिखाता है कैसे आपको अपनी चेतना को इवॉल्व करना है अपनी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करना हाईर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में कैसे जाना है ठीक और वो उसकी तुलना का पता नहीं कैसे कुछ गुरु जी लोग अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि निद्रा जो ध्यान है वो एक सचेत निद्रा है नहीं निद्रा अचेतन अवस्था है अवचेतन का एकाग्रता का और ध्यान एकाग्रता का परिणाम है धारणा का परिणाम है ध्यान जब आप धारणा करेंगे तो ध्यान में उतरेंगे वहां कोई नियंत्रण नहीं है यहां पूर्ण नियंत्रण रहेगा आपके हाथ में रहेगा जब आप ध्यान करेंगे तो यही बात हमको समझना है तो ब्रह्मा का यह लोक इसलिए यहां पर बताया गया कि एक हजार दिन वाला और एक हजार रात्रि वाला ब्रह्मा का दिन है और ब्रह्मा की रात्रि है तो इस तरह से मैंने आपको स्वप्न के माध्यम से समझाया कि दो मिनट अगर आपने स्वप्न देखा तो बाह्य जगत में आपकी आपकी जो घड़ी की सुई है दो घंटा निकाल देगी तब तक ठीक है इसीलोग कई बार लोग कहते हैं कि मैं तो सारी रात सपना ही देखता रहा तो भैया बताओ छे घंटे में क्या क्या देखा मान लो छे घंटे सोए और कोई कहे कि मैं सारी रात स्वप्न ही देखता रहा तो छह घंटे में क्या क्या देखा अब वो जो बताएगा तो पांच मिनट में सारी बात खत्म हो जाएगी। पांच मिनट में सारी बात खत्म हो जाएगी भैया पांच मिनट में खत्म हो गई हाँ इतना तो ही देखा छह घंटे सोए और बोल रहे हो सारी रात सपने ही देखते रहे तो कुछ देखा होगा ना भाई छह घंटा ऐसे तो नहीं बीत जाएगा क्योंकि सूक्ष्म जगत में स्वप्न लोक में स्वप्न लोक में जो घटनाएं घटती हैं वो आपको लगता नॉर्मल ही है कि नॉर्मल स्पीड में ही सब कुछ चल रहा है जैसे संसार में चल रहा है नहीं वहां पर टाइम लगता है घटनाओं को घटने में आपके यहां स्थूल शरीर में बीत जाती हैं चीजें दो घंटा तीन घंटा बीत जाएगा दो मिनट का स्वप्न देखने में ऐसे चलता है साइकोलॉजिकल विषय है थोड़ा सा तो हम इसको समझे और यही ब्रह्मा का लोक है सूक्ष्म लोक हरण्य गर्भ लो, ब्रह्मलोक से कहा जा रहा है ब्रह्मा मतलब सृष्टि सृष्टि का भाव देवता सृष्टि का भाव पूर्ण देवता सृष्टि करने का उसके अंदर भी अपना अहंकार है अहम बोध है भूत ग्राम स एवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते रात्र आगमे वश रात्रि आगमे वश पार्थ प्रभुवत्य हरागमे पार्थ वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय में लीन होता है जैसे कि जब हम सो जाते हैं तो ब्रह्मा के लोक में चले जाते हैं हमारी चेतना उस ब्रह्म लोक में चली जाती है और फिर वापस आ जाती है सुबह उठने पर वैसे ही यह जीव भी बार बार उत्पन्न होता है और बार बार सूक्ष्म लोक को प्राप्त होता है फिर स्थूल लोक को प्राप्त होता है तो यह जो कर्म चक्र है स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल की यात्रा करवाता रहता है स्थूल सूक्ष्म और स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल की यात्रा करवाता रहता है कर्मों के अनुसार कभी हम सूक्ष्म लोक में जाते हैं कभी स्थूल लोक में आते हैं कभी स्थूल शरीर धारण करते हैं कभी सूक्ष्म शरीर में रहते हैं और वह सूक्ष्म शरीर ही दोबारा शरीर धारण करता है नए नए परिवारों में जन्म लेता है नए नए रिश्ते बनाता है नए नए कर्म करता है और भोगों को भोगता रहता है कुल मिलाकर उन्हीं भोगों को भोगता है जिसे हम आहार निद्रा भय मैथुन कहते रहते हैं यही सब सारी चीजें चलती रहती हैं यही उसकी उस, उसकी गति बनी रहती है इसी तरह से लेकिन इन सबसे परे कुछ है इन सबसे परे कुछ है और वह क्या है भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातना यह सर्वेशु भूतेशु नश्यतु विनश्यति परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर वाले अव्यक्त लोक से उस ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर वाले अव्यक्त लोक से अन्य उससे भी अव्यक्त जो परम अव्यक्त है सनातन वह सनातन है अनादि है अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त है भावातीत में स्थित रहने वाला वह ब्रह्म वह ईश्वर वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता उसमें परिवर्तन नहीं आता इसलिए वह सनातन है अव्यक्तो अक्षर इतुक्त परमाम गतिम यम प्राप्त न निवर्तनतेम एक अव्यक्त अक्षर है उसी को अव्यक्त अक्षर ऐसा कहते हैं वही पर ब्रह्म अब उसकी उस अव्यक्त अक्षर क्या है उसका रहस्य हम और बढ़िया से कल विचार करेंगे समझने का प्रयास करेंगे तो अव्यक्त अक्षर को प्राप्त होता है जो इन दोनों लोकों से उस परम धाम को जानने की कोशिश करता है तो यह अव्यक्त अक्षर का रहस्य क्या है यह भी रहस्यमय विषय है इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे ध्यान योग का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 20 मार्च ड्यूरेशन वन मंथ गाइडेड मेडिटेशन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन स्पिरिचुअल हीलिंग इसमें दो मेंबरशिप है ज्वाइन जुपिटर एंड सन मेंबरशिप जुपिटर ज्वाइन करेंगे तो गाइडेड मेडिटेशन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन स्पिरिचुअल हीलिंग गाइडेड मेडिटेशन क्या है जो पूरी तरह से निर्देशित है पूरी तरह से हट योग की श्रेणी में आता है और ट्रांसेंडेंटल राज योग की श्रेणी में आता है जो इंद्रियों से परे जाने की हमारी चेतना को इंद्रियों से परे ले जाने की अवस्था जो इंद्रिया नहीं अनुभव करती हैं वो भी हमारे बिना इंद्रियों के अनुभव में आ जाए अंतर घट के भीतर अनुभव में आ जाए अंतर घट के भीतर अनुभव में आ जाए जो इंद्रियों से भी परे ऐसी अनुभूतियां हमें आ जाए ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इसमें होना शुरू कर देता है और फिर हीलिंग हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जाएं भी एकत्र होती हैं जिसको हम हीलिंग में प्रयोग कर सकते हैं तो जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन करने से आपको ये तीनों कोर्सेस प्राप्त होती हैं गाइडेड मेडिटेशन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग का सन मेंबर से इस हीलिंग नहीं मिलेगा बाकी दोनों मिलेगा तो आप इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर लें व्हाट्सएप मैसेज कर दें नाइन डबल सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन नाइन सिक्स सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन मैं आपको व्हाट्सअप भी यहां पर चैट में आपको मैं कमेंट भी कर दूंगा चैट बॉक्स में आपको मिल जाएगा यह नंबर इस नंबर पर आप WhatsApp मैसेज कर WhatsApp मैसेज करकर आप इसकी डिटेल्स ले सकते हैं कि हमें यह कोर्स कैसे ज्वाइन करना है नाइन डबल सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन ये कोर्स हमें कैसे ज्वाइन करना है इसकी सारी डिटेल्स हम प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और प्राप्त कीजिए साथ ही जो लोग ध्यान योग कर लेते हैं मैं उनसे जरूर कहूंगा प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स कर लें तो बहुत अच्छा है यह आपके शरीर को उस अवस्था में बनाए रखने में सहयोगी है जिस अवस्था में ध्यान योग बहुत अच्छे से होता है तो प्राकृतिक चिकित्सा एक तो वैकल्पिक चिकित्सा है और आत्मनिर्भरता देता है हमें जो भी इसमें टेक्निक है जितना हम जान पाएं और जितना हम फॉलो कर पाए हमें अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने में हमें यह आत्मनिर्भरता भी प्रदान करता है आत्मनिर्भरता देता है तो हमें ऐसी चिकित्सा पद्धतियों को प्राकृतिक चिकित्सा भी है एक्यूप्रेशर भी है और भी एक स्पिरिचुअल हीलिंग तो हम दे ही रहे हैं ऐसी चिकित्सा पद्धतियों को भी जानकारी हम जितना बढ़ाएं उससे हमें लाभ भी मिलना शुरू होता है ठीक है तो प्राकृतिक चिकित्सा का यह एक वन मंथ कोर्स है आप इसे कर सकते हैं और ध्यान योग का तो वन मंथ कोर्स है ही कुछ लोग पूछते हैं ध्यान योग का कोर्स हम कितने दिन का है ड्यूरेशन इसका वन मंथ है सबसे महत्वपूर्ण है सबसे महत्वपूर्ण कोर्स है क्योंकि यह हमारी चेतना को विकसित करता है इवॉल्व करता है हमारे हमारी कॉन्शियसनेस को ठीक है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर लें रिक्वेस्ट लिख दें कि आपको जानना है कृपया हमें ध्यान योग की जानकारी दीजिए तो आपको सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा और आप उसे ज्वाइन कर कर, कर कोर्स आज ही लाइव सेशन हुआ कोर्स का हर संडे लगभग होता है लाइव सेशन इस कोर्स से संबंधित तो जो लोग ज्वाइन करते हैं उन्हीं को वो लाइव सेशन मिलता है तो इसीलिए हमें यह अच्छे से यह ध्यान योग का कोर्स हमें ज्वाइन कर भली भांति हम इसका अभ्यास करें जुड़े रहें और अभ्यास में बने रहें तो बहुत लाभ हम अपने जीवन में उठा सकते तो बहुत लाभ आप अपने जीवन में जरूर जरूर उठाइए और लाभान्वित होइए इस कोर्स से और ऑनलाइन में भी या वीडियोज के माध्यम से और लाइव कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये चलता है जैसे जूम ऐप या गूगल मीट पर कॉन्फ्रेंस हम लाइव में कर लेते हैं उसमें आपको डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए सारी चीजें बताई जाती हैं दिखाई जाती हैं डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियोज भी दी जाती हैं कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है कैसे अभ्यास करना है ठीक है तो ये लाइव में बड़े अच्छे से चलता है लेकिन कई बार लोग सोचते हैं अरे ऑनलाइन क्या करेंगे ऑफलाइन क्या करेंगे देखिए दोनों की अपने अपने फायदे हैं और लिमिटेशंस हैं ऑनलाइन का अपना एक लिमिटेशन है कि ये एक मीडियम से होता है इंटरनेट के मीडियम से ऑफलाइन में आप आमने सामने बैठते हैं लेकिन ऑफलाइन किसी एक जगह पर हो सकता है उस जगह पे आना पड़ता है फिर उस जगह पे फिर पहुंचना पड़ता है हमें ट्रेन से आएंगे फ्लाइट से आएंगे जैसे भी आएंगे लेकिन ऑनलाइन का ये लाभ है चाहे आप कहीं भी रह रहे हो आप ऑनलाइन में जुड़कर हम ये सब इस मीडियम को यूज कर, कर हम ऑनलाइन कोर्स का लाभ उठा सकते हैं तो यह मीडियम है तो जरूर जानने की कोशिश कीजिए अगर एक साथ ऑफलाइन कभी भी एक साथ हर जगह नहीं हो सकता हाँ फ्यूचर में अगर सेंटर्स बहुत सारे खुलते हैं हमारे तो फिर आपको ऑफलाइन मिलने में दिक्कत नहीं होगी तो ऑफलाइन जो प्रोग्राम्स हैं वो अभी वाराणसी में अप्रैल के महीने में हो पाएगा तो आप वहां ज्वाइन कर पाएंगे नहीं तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और ऑनलाइन का लाभ उठाइए अगर टाइम मिला तो जिन्होंने ध्यान योग कर लिया है वो भी ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं बिना पेमेंट के क्योंकि वो पहले ही कर चुके हैं कोर्स ठीक है तो हम चलिए इसी विषय को आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं और आगे बढ़कर हम करते हैं आपके कमेंट्स को देखते हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर मैसेज कर दे नवज्योतिनाथ जी अमन कक्कर जी नरसाराम जी संतोष कुमार सविता नायक अनिल सोनी एम डी अली शंकर प्रसाद पवन कुमार गुप्ता विष्णु चंद्र मौर्य विनोद के सूद गोविंद प्रसाद कोरी गुरु जी सत सत प्रणाम स्वीकार करें हमेशा आपका सत्संग सुनने को ललायत रहना अच्छी बात है उप लाभ उठाइए नरेंद्र माखुड़े जी जय श्री राम जी नूतन भट्ट जी अवधेश कुमार दीपक शर्मा नरेंद्र माकुड़े पलकधाई राजभर अर्जन भाई चौहान कन्हई कुमार राम विलास जी घनश्याम सरोदे हीरा लाल यादव पाल जी जगत नारायण जी रूपलाल विश्वकर्मा जी नरेंद्र माखुड़े जी जय गीता के ज्ञान की जय हो पिंटू पिंटू वी वी एस वी जी स्मिता सावंत जी बलवंत सिंह गोहिल श्वेता कुमारी जी श्वेता राय सिन्हा जी रतन सिंह जी योगेंद्र पंडित जी भगवती पटेल भगवती पटेल जी किशोर वैद्य ए के त्यागी जय हिंद पुष्पा भाटी भरत छबलानी बिमला शाह मोहित शर्मा सरटेल अबाउट पारलल यूनिवर्स यही प्यारल यूनिवर्स है ब्रह्मलोक भी साथ में है हम एक ही हम दो यूनिवर्स में एक साथ हो गए ना एक्चुअल में ये यूनिवर्स वर्ड क्या है वो तो चेतना की अवस्था पर लोक का निर्माण है यूनिवर्स वर्ड यहां यूज नहीं होगा तो ब्रह्मलोक में भी हम इस समय हैं और स्थूल लोक में भी हैं हमने अभी ब्रह्मलोक छोड़ा कहा है सो वहीं से तो हम आ रहे हैं इसमें उसमें ही बने हुए हैं कमलेश खैरनर जी बीकू कु जी सौम्या शर्मा जी आशा रानी जी उदय शंकर जी राकेश गुप्ता अनिल सोनी क्या सूक्ष्म जगत में पिछले स्थूल जगत की याद रहेगी रहेगी जी तभी तो भटकता है जीव पूरा याद नहीं रहेगा लेकिन थोड़ा बहुत याद रहेगा हाँ धीरे धीरे सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है मेमोरी फेड होती रहती है फेड होती रहती है तो बहुत सारी चीजें भूल भी जाएंगे जैसे कि आप अभी ले लो अनिल सोनी जी बताओ जब पांच वर्ष के थे तो क्या क्या खाया था जब चार वर्ष के थे तो कितनी बातें याद थी जब दस वर्ष के थे तो कौन कौन सी बातें याद थी अगर मैं पूछ दूं कि दस वर्ष जब आपकी उम्र दस वर्ष थे तो 12 मार्च के दिन क्या खाना खाया था आपने आपकी माता जी ने आपको प्रेम से क्या खिलाया था जब आप 10 वर्ष की उम्र थी और 12 मार्च 12 मार्च तो आया होगा जब आप 10 वर्ष के होंगे तो क्या खाया था आपने क्या मेमोरी में है नहीं है तो मेमोरी फेड होती रहती है जब हम सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं ना कारण में तो मेमोरी फेड हो जाती है और होते 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 हमें याद नहीं रहती फिर पीछे की चीजें ठीक है हंड्रेड परसेंट तो आपको अपने कल का भी याद नहीं होगा कल आपने क्या किया हंड्रेड परसेंट नहीं याद होगा आपको तो ये मेमोरी का एक अलग रहस्य चलता है ठीक इस रहस्य को भी समझना इसलिए जीवन रहस्यमय है कल 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 ग्यारह मार्च हंड्रेड परसेंट बात कल की भी आपको याद नहीं होगी कि कितने बजे आपने कंगी किया था नहीं किया था ठीक है चाय पी थी तो कितने घूट में पी थी चार घूट में पी गए थे कि पांच घूट में पी गए थे बहुत सारी बातें आपको याद नहीं हो सकती हैं तो फिर भी मैं कह सकता हूं कि 95 परसेंट आपको कल की बातें याद हों लेकिन यही दस दिन बाद फिर पूछी जाएंगी कि बताइए इस दिन क्या हुआ था तो आपको याद नहीं आएगी सारी बातें ठीक है तो मेमोरी जैसे हम जब हम सो जाते हैं ना और जितनी देर के लिए सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं उस समय मेमोरी फेड होती रहती है फेड होती रहती है ये प्रक्रिया हमेशा निरंतर चलती रहती है और एक दिन बहुत पुनर् पिछले जन्मों की तो हम बातें भूल जाते लेकिन तुरंत जब यह जीव देह को त्यागता है तो सूक्ष्म शरीर में उसे याद रहता है कि मैं किस परिवार में था क्या था कैसी चीजें थी ठीक है स्पिरिचुअल विथ साइंटिफिक प्रूफ गंभीर शाह जी विनोद कुमार शर्मा जी बहुत अभिनंदन मंजू शर्मा जी नमः शिवाय कैन यू प्लीज पोस्ट द लिंक टू ज्वाइन द ऑनलाइन शिविर थैंक यू प्लीज सेंड ए सिंपल रिक्वेस्ट ऑन वाट्सअप नंबर जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है नाइन सिक्स सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन इस पर व्हाट्सएप मैसेज आप एक कीजिए कि यू नीड टू नो द डिटेल्स ऑफ ज्वाइनिंग दिस कोर्स आपको आवश्यकता है कि आप जानना चाहते हैं इस कोर्स को कैसे ज्वाइन किया जाए तो आपको सारा डिटेल दे दिया जाएगा दीपक शर्मा क्या कबीर साहेब सह शरीर सतलोक गए थे ये कैसे कोई नहीं जाता सतलोक सतलोक अब पता नहीं सतलोक ठीक है अब सतलोक क्या है स्वर्ग लोक है कि क्या लोक है तो योग मार्ग अलग है कल ह, कल हम इस पर चर्चा करेंगे कि जो योगी होते हैं वो ब्रह्मा के लोक में नहीं जाते तो किस लोक में जाते हैं तत्व आत्मलीन होते हैं कैसे होते हैं वही ब्रह्म अक्षर की परम अक्षर अव्यक्त अक्षर की चर्चा होगी स शरीर नहीं जाता कोई सूक्ष्म में ही जाता है सौम्य शर्मा ब्रह्मलोक में रहने वाले जीवों को पता होता है कि वो किसी सूक्ष्म लोक में रह रहे हैं कई बार नहीं होता माया का पर्दा उनके पार भी होता है और फिर धीरे-धीरे वो जान भी जाते हैं अफंता प्रोडक्शन सदाबहार मन इंद्रियों का कब जन्म हुआ तीन गुणों का जब विकास हुआ विषमता आई तो बुद्धि प्रकट हुआ बुद्धि के बाद मन अहंकार और तामसी अहंकार से, तामसी अहंकार से पंचभूत बन गए सात्विक अहंकार से ज्ञानेंद्रियां, कर्म बन गई सारा विकासवाद ये सारी इवोल्यूशनरी थ्योरी जो है सांख्य दर्शन में बताई हुई है पीछे इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं बहुत बढ़िया से जानना है तो फिलोसफी का कोर्स कीजिए संतोष कुमार जी पुष्पा शर्मा जी हमने तो ऑनलाइन कोर्स किया हमें तो ऐसा लगा कि जैसे हम पास में बैठकर, जी हाँ संतोष कुमार जी का अनुभव है कि ऑनलाइन कोर्स जब उन्होंने संतोष कुमार जी ने किया तो उनको ऐसा लगा जैसे कि हम आमने सामने बैठकर ही सीख रहे हैं इसलिए ऑनलाइन कोर्स में कोई दिक्कत या कोई कमी वाली बात नहीं है आपको ऐसा ही अनुभव होगा कि सब कुछ हमें बढ़िया से पता चल रहा है और स्टेप वाइज स्टेप बड़े ही सिस्टमैटिक वे में हर चीज आपको बताई जा रही है ठीक है तो संतोष कुमार ने इसका लाभ उठ चलिए ठीक रामविलास जी क्या योगी भी शरीर छुटाने के बाद ब्रह्मलोक जाते हैं तो योग के लिए तो बहुत लंबा गैप होता होगा योगी योग करते हुए ही ब्रह्मलोक की यात्रा करना जान जाते हैं जब उनका योग पूर्ण होगा तो ब्रह्मलोक नहीं जाते फिर वो वो ब्रह्मलोक में तो वैसे ही इतने स्वतंत्र हो जाते हैं कि ब्रह्मलोक में अपने आप ही यात्रा कर लेंगे वो लोग ठीक है मोहित महाजन जी बहुत अपनी इच्छा मात्र से वो शरीर भी धारण करेंगे फिर योगी जो है मोहित महाजन अनिल सोनी जी बहुत अभिनंदन दुष्यंत चौहान जी ब्रह्म ब्रह्मा के लोक में जीव का अस्तित्व होता है तो क्या मोक्ष के बाद ना मोक्ष के बाद नहीं मोक्ष अलग चीज है मोक्ष तो इस ब्रह्मा के लोक से भी अलग है ठीक है और जिसको अपना अस्तित्व बनाकर रखना है उसके लिए मोक्ष तो होता ही नहीं है जिसको अपना अस्तित्व बनाकर रखना है उसके लिए मोक्ष होता भी नहीं है ठीक है हाँ जी हाँ मोक्ष होना ना होना बराबर है अगर अस्तित्व बना है जीव पूर्णता को ही प्राप्त नहीं कर पा रहा क्योंकि जीव मोक्ष में पूर्ण हो जाएगा और जब पूर्णता को प्राप्त कर लेगा तो स्वयं ब्रह्म हो जाएगा स्वयं ही ब्रह्म हो जाएगा फिर ठीक तो ये हो जाएगा ये चीज है तो क्या उस चेतना की कोई अनुभूति याद जब मोक्ष के बाद जीव जन्म नहीं लेगा तो फिर चेतना अनुभूति मोक्ष की अनुभूति या मेमोरी होने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। दीपक गोयल जी अनिल सोनी जी बबीता धीमान जी पंकज सोनी जी माधुरी कोले जी चंदन राव जी पंजीकरण नहीं पंचीकरण पंच पंच पंचीकरण आगे मिलेगा ठीक है सुनिए सुना कीजिए पहले भी पंचीकरण के बारे में मैंने बताया है पंचीकरण का सिद्धांत क्या है आगे भी मिलेगा और जो फिलॉसफी का कोर्स कर रखे हैं वेदांत दर्शन में उनको मिलेगा चंदन राव जी इंद्र बनने के लिए क्या करना होगा पुण्य कर्म कीजिए कर्म अच्छा होगा तो कुछ दिन के लिए इंद्र बन जाएंगे लेकिन इंद्र बनने के बाद भी दोबारा इस योनियों में भटकना पड़ेगा नीचे योनियों में दोबारा आना पड़ेगा जैसे ही पुण्य खत्म होगा नीच योनियों में आना पड़ेगा तो पंचीकरण का सिद्धांत पंच तत्वों का आपस में मिलना एक विशेष अनुपात में मिलना एक विशेष रेशियो में अनुपात में मिलने से पंचीकरण होता है क्या सौ यज्ञ करना होगा कर्म ही करिए अपने पुण्य को बढ़ाइए तपस्या को बढ़ाइए सर हम मोक्ष के लिए लिमिटेड मोक्ष के लिए तो योग करना पड़ेगा ना लिमिटेड कर्म क्या अपना इंद्र बनने के लिए कर्म करना होगा पुण्य कर्म बढ़ाइए और योग कीजिए चलिए ठीक है इसी के साथ विचारों को अब विराम देंगे कल फिर मिलेंगे 9 पी लाइव चर्चा में और अव्यक्त अक्षर के रहस्य को समझना या ध्यान योग के विषय में और भी बातों को समझने का हम प्रयास करेंगे ठीक है तो बहुत बहुत आभार आप सभी का सभी को ओम तत्सत